नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सरवाड़ उपखंड की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपा में बुधवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गतिविधियों का आयोजन किया गया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2020 से नागरिकों में जन जागरूकता हेतु नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। कार्यक्रम में गोपाल लाल वैष्णव वरिष्ठ अध्यापक ने बच्चों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। प्राचार्य सुरेश गढ़वाल ने नशे से दूर रखने संबंध में किए जाने वाले उपायों पर बताया गया। इस दौरान प्रथम सहायक मयूर ध्वज सिंह राठौर, सत्यनारायण खींची, शंकर लाल सोलकी, किरण कुमारी शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। नशा मुक्त भारत अभियान के पांचवें वर्ष में प्रवेश के परिपेक्ष में विद्यालय परिसर में शपथ दिलाने का आयोजन किया गया। कन्हैयालाल महावर वरिष्ठ शिक्षक विज्ञान सुशील नारायण ने बच्चों और युवाओं पर छोटी उम्र में ही नशा करने से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास रुक जाता है, इसके साथ अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नशीले पदार्थ न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को और साथ साथ समाज को भी अपनी चपेट में लेकर सामाजिक वातावरण को दूषित करते हैं। नशे से मुक्ति हेतु राज बहादुर सिंह, देवेंद्र सिंह राठौर, रमेश चंद्र चौधरी उपस्थित रहे। अपना अपना नाम बोलना है ना। गोपाल लाल वैष्णव, शपथ लेता हूँ कि अपने कार्यालय, विद्यालय, गांव, शहर को धूम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त बनाए रखने के महाअभियान में सच्चे मन के साथ सक्रिय रूप से भाग लूंगा। वह व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं स्वयं तम्बाकू का सेवन नहीं करूंगा तथा समाज के सभी लोगों को तम्बाकू न सेवन करने के लिए प्रेरित करूंगा तथा भविष्य में अपने विद्यालय, गांव, शहर को धूम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की अनवरत रूप से जारी रखने की दिशा में सामुदायिक सहभागिता के लिए सदैव संकल्पबद्ध रहूंगा। जय हिंद।